यीशु स्वर्ग में जाते। जो दिन परमेश्वर ने यीशु को मरे में से जिंदो करीस, ओके दो चेला नाउन जवर के गांव में जात होतीन। चलत चलत यीशु उनके संग गई थी, ही ओके बारे में बात करत होतीन। उनको आशा होती कि हु मसीह होतीस, पर फिर भी हु मार डालो गईस। और अब ही बाई नाउन कहतत कि हु दोबारा से जिंदो भय गईस। ही नी जानत होतीन कि कौनती बात पे विश्वास करनो है। यीशु उनके जवर आए के उनके संग चलनो शुरू करी, पर हुने ओ को पहचान नी सकिन। ओने पूछिस कि ही कौनते विषय में बात कर रही नहत। हुने ओ को पिछले दिन में यीशु के संग भई घटना के बारे में बताई। हुने सोचिन कि ही कोई परदेसी से बात कर रही नहत, जो नी जाने कि यरूशलेम में का भय होतीस। फिर यीशु ने उनको समझाइस कि परमेश्वर को वचन मसीह के बारे में का कहते। कई साल पहले भविष्यवक्ता नाउन ने कहे होतीन कि दुष्ट लोग मसीह को सतायत और मार डालेत, पर भविष्यवक्ता नाउन ने यो भी कहे होतीन कि हु मरे में से तीसरे दिन जिंदो होए। जब ही बाई शहर में पहुंचीन जहां पे ही दो जन ठहरनो चाहत होतीन, तब तक वहां पे लगभग शाम भय गई होती। हुनने यीशु को अपने संग ठहरन के गुना बुलाइन। एके गुना हु हुनके संग एक घर में गईस, अपने शाम के जेवन खान के गुना बैठ गईन। यीशु ने एक रोटी को लेके ओके गुना परमेश्वर को धन्यवाद देईस और फिर वो को तोड़ीस। अचानक से हुनने जान लेन कि हु यीशु होतीस, पर वह समय हु हुनकी आँखी की नजर से दूर चले गए होतीस। ही दोई जन ने एकमेक से कहीन हु यीशु होतीस। एके गुना जब उन्हें हमा को परमेश्वर के वचन को समझाइस तो हम बहुत उत्साहित होतेन। तुरुत ही निकल के वापस यरूशलेम को गईन। जब ही पहुंचिन तो हुनने चेला नाउन को बताइन यीशु जिंदो है, हमने ओको देखेन हन। जब चेला बात करत होतीन तो यीशु अचानक से हु कमरा में उनके संग प्रगट भईस। उन्हें कही तुमा को शांति मिले। चेला नाउन ने सोचिन कि हु कोई भूत होए, पर यीशु ने कही तुम काय के गुना डरताओ, तुम यो काया नहीं सोचे कि यो सचमुच मैच यीशु आम, मोरे हाथ और पाय को देखो। भूत नाउन के जवर असो शरीर नहीं होए जसो मोरे जवर है। यो दिखान के गुना की हु कोई भूत नहीं होतीस, उन्हें खान के गुना कई मांगीस। हुन्ने ओको मच्छी को एक टुकड़ा देन और उन्हें ओको खा लेस। यीशु ने कहीस मोरे बारे में परमेश्वर को वचन जो कई भी कहते हु पूरो होए। मैंने तुमको बता दे होते कि एको होनो जरूरी है। फिर यीशु ने उनको परमेश्वर को वचन साजरे से समझाइस। उन्हें कहीस कई साल पहले भविष्यवक्ता नाउन ने लिखे होतीन कि मैं मसीह को दुख उठानो पड़े, मरनो पड़े और फिर तीसरे दिन मरे में से जिंदो होनो पड़े। ही भविष्यवक्ता नाउन ने यो भी लिखे होतीन कि मोरे चेला परमेश्वर के वचन की घोषणा करे, ही हर एक को अपने पाप नाउन से पश्चाताप करन के गुना बताए। अगर ही असो करे तो परमेश्वर उनके पाप नाउन को माफ करे। मोरे चेला नाउन यो सुसमाचार को प्रचार करनो यरूशलेम से शुरू करे, तब ही सपाई जागा सपाई जाति नाउन में जाए। तुम लोग मोरी हर एक बात और काम के गवाहीदार हो, जो मैंने कहे और करे होते। और हुन सपाई के भी जो मोरे संग भईस, ही 40 दिन नाउन के बीच में यीशु अपने चेला नाउन पे कई बार प्रगट भईस। एक बार तो हु एकच समय में 500 से ज्यादा लोग नाउन पे प्रगट भईस। उन्हें अपने चेला नाउन पे कई तरीका से साबित करीस कि हु जिंदो होतीस और उन्हें उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा देईस। यीशु ने अपने चेला नाउन से कहीस परमेश्वर ने मोको स्वर्ग और धरती को हर एक जन पे
राजकरण को अधिकार देईस है। एके गुना अब मैं तुम्हारे से कहतम, जाय के सप्पई जाति न उनके लोग न उनको चेला बनाओ। अशोकरण के गुना तुमको उनको बाप बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देनो है। जो कई भी मैंने तुमको आज्ञा देम हम ही सप्पई बात न उनको मानो भी तुमको उनको सिखानो है। याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे संग हम। यीशु के मरे में से जिंदो होन के 40 दिन के बाद उन्हें अपने चेला ना उनसे कहिस, जब तक कि मोरो बाप तुमको सामर्थ नी दे तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो, हु तुम्हारे पे पवित्र आत्मा भेजन के जरिया से असो करे। फिर यीशु स्वर्ग में चलो गईस और एक बादल ने ओको उनके नजर से छिपा लेस। स्वर्ग में यीशु सपाई चीज पे राजकरण को परमेश्वर के डाये के किना बैठ गईस।